नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2021 के सीबीटी 1 के कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम रीजन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बिफोर नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन के पहले रॉ मार्क्स अगर आपका कितना आ रहा है तो आप सेफ होंगे, उसके हिसाब से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा। और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इसमें हम सभी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। और ये कट ऑफ जो मैं बताऊंगा लगभग उसी के आसपास रहेगा। ये रॉ मार्क्स है, ये नॉर्मलाइजेशन के पहले का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रॉ मार्क्स के हिसाब से। अगर आपका कितना रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ है। तो चलिए हम देख लेते हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पे वैकेंसी कितना है, वैकेंसी आपको पता है 35,277 वैकेंसी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जोन है यहाँ पे अहमदाबाद का जोन है। अहमदाबाद में देखिएगा जनरल का, अगर आपका जनरल कैटेगरी से 57 नंबर अभी आपका आ रहा है, रॉ मार्क्स अगर 57 है तो आप सेफ है। EWS 50 पे सेफ हो जाएगा, OBC 52 पे सेफ है, SC का 50 पे और ST का 45 पे। यहाँ टोटल वैकेंसी कितना है, 1024। उसके बाद अगर हम अजमेर के बारे में बात करें तो अजमेर में 59 जा सकता है, जनरल का 59 जा नहीं सकता है, मतलब 59 अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें EWS का तो 52, उसके बाद OBC का 54, SC का 51 और ST का 48, टोटल यहाँ 1773 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें इलाहाबाद जोन का तो इलाहाबाद जोन का 62 के आसपास सेफ इसको सेफ रॉ मार्क्स होगा। EWS का 54, OBC का 58, SC का 52 और ST का 49, टोटल यहाँ पे 4000 वैकेंसी है। बट यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखिएगा बैंगलोर, बैंगलोर इस बार सेफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ एवरेज देखने को मिलेगा, मतलब अगर आपका 56 तक सही हो रहा है, 56 तक आपका मार्क्स आ रहा है तो आप यहाँ से सेफ है रिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। उसके बाद EWS देखिएगा, EWS का 48 है, OBC का 50 नंबर सेफ है, SC का 42 नंबर सेफ है और ST का 38 नंबर भी आ रहा है तो सेफ हो जाएंगे। भोपाल का जो मार्क्स होगा रॉ मार्क्स भी ज़्यादा जाएगा, 60 के आसपास वहाँ से सेफ होंगे भोपाल में। EWS 51, उसके बाद OBC 57, ठीक है, SC का 50 और ST का 47 नंबर। उसके बाद भुवनेश्वर का 57 अगर आपका आ रहा है रॉ मार्क्स जनरल कैटेगरी से तो आप सेफ होंगे, और EWS का 50 नंबर पे सेफ होगा। उसके बाद OBC 52, 48 नंबर SC कैटेगरी और ST कैटेगरी 44 नंबर जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा बिलासपुर का देखिएगा तो बिलासपुर में जो कट ऑफ जा सकता है रॉ मार्क्स के हिसाब से 56 नंबर बिलासपुर में सेफ है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद यहाँ EWS का 50 नंबर, SC का 52 नंबर, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 47 नंबर SC कैटेगरी, 44 नंबर ST कैटेगरी और 1207 वैकेंसी यहाँ पे। चंडीगढ़ का देखिएगा 60 नंबर अगर आपका आ रहा है जनरल कैटेगरी से तो आप सेफ है। उसके बाद 52 नंबर EWS है, 55 नंबर OBC, उसके बाद 50 नंबर SC और 50 नंबर ST कैटेगरी। 2483 वैकेंसी यहाँ पे चंडीगढ़ में कट ऑफ है हाई देखने को मिलेगा, और मार्क्स भी 60 के आसपास होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी। चेन्नई का देखिएगा 55 के आसपास अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ है। उसके बाद 48 से EWS है, 50 OBC, 42 SC कैटेगरी, 38 नंबर ST कैटेगरी। गोरखपुर का देखिएगा 58 नंबर सेफ होगा। ये क्या होगा, 58 नंबर सेफ, मतलब 58 नंबर होगा सेफ स्कोर होगा। 50 नंबर क्या होगा, EWS के लिए 52 नंबर, OBC के लिए 50 नंबर, ST के लिए 47 नंबर क्या होगा, ST कैटेगरी के लिए, SC के लिए 50 नंबर। उसके बाद गुवाहाटी का देखिएगा, गुवाहाटी के लिए 56 मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ है रिजर्व कैटेगरी से। 50 नंबर EWS, 51 नंबर है OBC, 50 नंबर है ST और SC, 50-50। उसके बाद जम्मू का देखिएगा, 54 भी आ रहा है आपका रॉ मार्क्स तो आप सेफ है जम्मू से। 48 EWS, 51 OBC, 48 SC और ST 46 नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता, कोलकाता का जा सकता है 54 नंबर, 54 के आसपास आप कोलकाता से सेफ है। उसके बाद 48 नंबर कोलकाता में सेफ है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 50 नंबर है, EWS का मैंने बताया 48, OBC का बता दिया 50 नंबर, 48 नंबर बता दिया मैंने ST कैटेगरी और 44 नंबर कोलकाता से देखने को मिल सकता है आपको ST कैटेगरी। 2949 वैकेंसी है कोलकाता में, ठीक है, ये लास्ट में मैंने वैकेंसी लिखा है। मालदा का देखिए सबसे कम जाएगा, 50 नंबर के आसपास जनरल कैटेगरी से सेफ है, रॉ मार्क्स है। उसके बाद 46 नंबर EWS का आ रहा है तो आप सेफ है, 47 नंबर OBC का, 43 नंबर SC और ST का 38 नंबर केवल। मुंबई से भी कम जा सकता है, 58 के आसपास मुंबई का कट ऑफ हो सकता है रॉ मार्क्स है,
एक्सपेक्टेड है। उसके बाद 50 नंबर EWS हो गया, उसके बाद 50-52 नंबर OBC कैटेगरी, 50 नंबर SC कैटेगरी, 46 नंबर ST कैटेगरी। मुजफ्फरपुर का देखिएगा 51 नंबर, उसके बाद देखिएगा मुजफ्फरपुर 51 नंबर, EWS 47 नंबर, और उसके बाद 45 नंबर के किसका जा सकता है, OBC कैटेगरी का मुजफ्फरपुर का कटअप कम होगा। और उसके बाद यहाँ 40 नंबर देखिएगा, 40 नंबर आप देख लीजिएगा, 40 नंबर कहाँ किसका जाएगा, SC कैटेगरी का। रॉ मार्क्स सेफ है, मतलब इतना मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ है। 36 मार्क्स अगर आपका SC ST कैटेगरी का आ रहा है तो सेफ है, और 40 नंबर मैंने बताया SC कैटेगरी। तो मुंबई हो गया, मुंबई के बाद अगर हम बात करें यहाँ पटना का, देखिएगा पटना का जा सकता है 60 नंबर, हाई कट अप देखने को मिलेगा पटना का इस बार, क्योंकि जनरल कैटेगरी का सीट बहुत कम है यहाँ पर। EWS का कम देखने को मिल सकता है 51 नंबर, OBC का बहुत कम देखने को मिलेगा 53 नंबर के आसपास आपका आ रहा है तो आप सेफ है। 50 नंबर के आसपास SC कैटेगरी से आ रहा है तो सेफ है। 44 नंबर ST कैटेगरी, 1039 वैकेंसी है और जिसमें से 300 केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद रांची के बारे में बात करें तो 58 प्लस होगा रांची का, रॉ मार्क्स 58 प्लस आ रहा है तो आप सेफ है। 58 प्लस, क्योंकि रांची का कटअप इस बार में भी ज़्यादा जा सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें EWS का 50 नंबर भी सेफ होगा, OBC का 54 नंबर है, और यहाँ पे 50 नंबर सेफ होगा, 50 नंबर है। SC कैटेगरी 48 नंबर, ST कैटेगरी 1386 वैकेंसी रांची में है। उसके बाद अगर हम बात करें सिकंदराबाद का कटअप 57 से ज़्यादा, मतलब ये रॉ मार्क्स अगर 57 से ज़्यादा आ रहा है तो आप सेफ है। 50 नंबर EWS का, 53 नंबर OBC, SC का 50 नंबर, ST का 47 नंबर। सिलीगुड़ी का देखिएगा सबसे कम देखने को मिल सकता है 48 नंबर भी आ रहा है तो आप सेफ है। 44 नंबर EWS में आ रहा है तो सेफ हो जाएंगे। OBC में 46 नंबर है और SC में 44 नंबर, और यहाँ पे देखिएगा 38 नंबर है, ठीक है ना, 38 नंबर आपका आ रहा है तो आप सेफ है। 38 नंबर ST कैटेगरी से आ रहा है तो सेफ है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम का कटअप ज़्यादा देखने को मिलेगा, 58 से 60 भी जा सकता है, यहाँ पे रॉ मार्क्स है सेफ। 58 आ रहा है तो आप सेफ है तिरुवनंतपुरम में, 50 आ रहा है तो यहाँ से भी सेफ है आप, ठीक है ना, 50 के आसपास आ रहा है तो सेफ होंगे EWS में। उसके बाद EWS का दोस्तों कटअप कम जाने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 50 हो गया, 56 नंबर आपका OBC से आ रहा है तो आप सेफ हो जाएंगे, और 54 नंबर आपका SC कैटेगरी से आ रहा है तो आप सेफ है, और 47 नंबर आपका अगर 47 नंबर आपका ST कैटेगरी से आ रहा है तो आप सेफ है। टोटल यहाँ 897 वैकेंसी है। तो ये दोस्तों हमारे तरफ से एक्सपेक्टेड रॉ मार्क्स है जो सेफ स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज, ठीक है ना, सभी जोन का हमने बता दिया। अगर आपको इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।